नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, और बड़ी खबर ये है कि बदतमीज और बेईमान साकिब अल हसन अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। साकिब अल हसन आपको अब वर्ल्ड कप का कोई भी मुकाबला खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। श्रीलंका के खिलाफ साकिब अल हसन के उंगली में चोट लग गई थी, उंगली उनकी फ्रैक्चर हो गई थी, जिसके बाद उनका स्कैन किया गया और फाइनली अब आपको साकिब अल हसन वर्ल्ड कप में मुकाबला कोई भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच साकिब अल हसन और एंजेलो मैथ्यूज के बीच कंट्रोवर्सी हो गई थी टाइम आउट को लेकर। जब श्रीलंका का चौथा विकेट गिरा था तो एंजेलो मैथ्यूज खेलने आए थे, तो वहां पर उनका हेलमेट का एक बैंड टूट गया था, और जब उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगाया तो इतने में 3 मिनट हो गए थे। वहां पर साकिब अल हसन ने अपील कर दी, और क्योंकि नियम है कि 3 मिनट से पहले आकर किसी भी बल्लेबाज को बॉल खेलनी है, जो कि 3 मिनट से एक्स्ट्रा हो गए थे वहां पर, तो एम्पायर ने उनको आउट देना पड़ा। जिसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने अंपायर से बात की, साकिब से बात की, लेकिन साकिब ने अपनी अपील वापस नहीं ली और अंपायर ने उनको आउट दे दिया, तो उनको वापस जाना पड़ा। जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी इस मुकाबले में, और अंत में जब दोनों टीमें मुकाबला खेल चुकी थी और आखिर में आके जब हाथ मिलाए जाते हैं तो वहां पर दोनों टीमों ने आपस में हाथ भी नहीं मिलाए थे इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद। तो आप क्या सोचते इस बारे में कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।